भारत और सऊदी के बीच में उड़ानें कोरोना वायरस शुरू होने के समय से ही बंद है, जिस कारण से भारत में लाखों लोग ऐसे हैं जो कि सऊदी अरेबिया में ट्रैवल करना चाहते हैं, लेकिन फ्लाइटों की अनुमति नहीं होने के कारण ये सभी लोग ट्रैवल नहीं कर पा रहे हैं। इस समय सऊदी अरब क्या सोच रहा है और वह अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें भारत के लिए कब से चालू कर सकता है, इसके बारे में ठीक ठीक बता पाना बहुत ही मुश्किल है। हम केवल अंदाजा ही लगा सकते हैं कि भारत और सऊदी के बीच में उड़ानें कब से चालू हो सकती है। फ्रेंड्स, आपको बताना चाहेंगे कि अभी तक सऊदी अरब की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को लेकर कोई भी बड़ी जानकारी नहीं आई है, लेकिन यहाँ पर जो खबर आ रही है वो कोरोना वायरस वैक्सीन को लेकर आ रही है। आपको बताना चाहेंगे कि सऊदी अरब की सरकार ने ये अनाउंसमेंट कर दिया है कि उसने कोरोना वायरस पर विजय हासिल कर ली है। जी हाँ दोस्तों, ये न्यूज़ खुद अरब न्यूज़ के हवाले से आई है। ये अरब न्यूज़ की तरफ से प्रकाशित किया गया लेटेस्ट अखबार आप देख सकते हैं, जहाँ पर उन्होंने इस न्यूज़पेपर में यह साफ साफ लिखा है कि सऊदी अरब ने कोरोना वायरस पर विजय हासिल कर ली है। फ्रेंड्स, अगर ये बात सच है तो सऊदी अरब को अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें खोलने में अब डर नहीं लगना चाहिए और सऊदी अरब को अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें चालू करने के लिए तुरंत बड़ा डिसीजन ले लेना चाहिए। सऊदी अरब ने डिसीजन नहीं लिया है, लेकिन इसके लिए आपको बताना चाहेंगे कि भारत की तरफ से एयरलाइंस कंपनी जैसे कि इंडिगो और स्पाइसजेट ने अपनी फ्लाइटों की टिकट की बुकिंग शुरू कर दी है, जो कि जनवरी महीने में है। इसके लिए हमने आपको कल एक डिटेल वीडियो भी बनाकर दिखाया था, जहां पर हमने आपको बताया था कि इंडिगो कैसे भारत के अलग अलग शहरों से सऊदी के लिए टिकट की बुकिंग ले रही है। इसके अलावा स्पाइसजेट भी मुंबई से रियाद की टिकट की बुकिंग ले रही है। फ्रेंड्स, उस वीडियो के साथ में हमने आपको ये भी बताया था कि अभी तक कोई भी बड़ी जानकारी सऊदी सरकार या फिर भारत की सरकार से नहीं आई है, इसलिए आप टिकट बुक करने से पहले एक बार एयरलाइंस कंपनी से अवश्य चेक कर लें, उसके बाद ही आप अपने फ्लाइट की टिकट बुक करें। फ्रेंड, जैसे कि आप यहां पर सऊदी अरब ने ये घोषणा कर दिया है कि उसने कोरोना वायरस पर विजय हासिल कर ली है, ये पूरा का पूरा न्यूज़पेपर आप स्क्रीन के ऊपर भी देख रहे होंगे, जहां पर उन्होंने इसके बारे में पूरी डिटेल जानकारी दी है कि सऊदी अरब में कैसे वैक्सीन आ रहा है और आप लोगों को ये वैक्सीन लगनी भी शुरू हो जाएगी। अब आप समझ सकते हैं कि जब इतना बड़ा न्यूज़पेपर ऐसी न्यूज़ छाप रहा है तो अवश्य ही सऊदी अरब ने वैक्सीन के ऊपर काफ़ी बड़े लेवल पर काम कर लिया है। और अगर ये बात सच है तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि बहुत ही जल्दी सऊदी अरब की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को खोलने को लेकर बड़ा डिसीजन लिया जा सकता है। हमें थोड़ा और इंतज़ार करना पड़ सकता है, लेकिन उम्मीद है कि अगले कुछ दिनों में अवश्य ही सऊदी सरकार फ्लाइटों को लेकर कुछ बड़ा डिसीजन दे सकती है। फ्रेंड्स, हम सऊदी से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों से जुड़ी हुई हर खबर के ऊपर नज़र बनाए हुए रखे हैं। जैसे ही कोई और जानकारी आती है तो हम आपको अवश्य ही वीडियो के माध्यम से बताते रहेंगे। आप हमारी रेगुलर वीडियो देखते रहें, क्योंकि हम यहाँ पर आपके लिए फ्लाइटों से जुड़ी हुई सारी जानकारी वाली वीडियो सबसे पहले लेकर आते रहते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अवश्य ही वीडियो को लाइक करें और चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ बेल आइकन दबाकर जरूर सब्सक्राइब कर लें।